गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो है फीकर के फर्स्ट ईयर को के स्टूडेंट को पंच बताने जा रहे हैं। यह जो है एक मार्किंग टूल्स है। पंच जो होता है, हम लोग अपना वर्कशॉप में बहुत तरह का मार्किंग टूल्स का उपयोग करते हैं, उसी में एक क्या है पंच है। पंच जो होता है वह किसी भी मार्किंग को अस्थाई बनाने के लिए जो है उसमें जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पंच करते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई चीज को का फिगर कोई किसी जॉब पे बना लिए, ठीक है, तो हो सकता है उस जॉब को बार बार छूने पर वह फिगर क्या हो बिगड़ सकता है या वो फिगर का जो है आकृति इधर उधर खसक सकता है। तो उसी मार्किंग को अगर जो मार्किंग करते हैं हम लोग, वो मार्किंग क्या हो सकता है इधर उधर या बिगड़ जाए उसका फिगर या वो अपने जगह से हट जाए। तो उसी को अस्थाई बनाने के लिए जो है हम लोग उसमें पंच के द्वारा पंच किया जाता है। पंच करने से क्या होता है कि वह फिगर वो आकृति जो है वह आपका जो कि मार्किंग है वह आपका अस्थाई हो जाता है। इसको बार बार छूने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बिगड़ता। तो पंच बता मार्किंग को अस्थाई बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पंच करते हैं। अब देखिए ये आपका पंच का फिगर, यह जो होता है यह यहाँ से आता है, इसका बॉडी होता है और यह इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है, इसी पर जो है हम लोग इसी वाले पार्ट पर जो है हम लोग हैमर से जब हम लोग पंच करते हैं तो हैमर से इसमें चोट करते हैं। और यह जो है पंच का एंगल होता है 60 डिग्री होता है। ड्रिलिंग से पहले पंच करना आवश्यक होता है। अगर हम लोग कभी भी ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं, ड्रिल करते हैं किसी भी चीज में, तो उससे पहले हम लोगों को पंच करना आवश्यक होता है। क्योंकि पंच करने से क्या होता है कि ड्रिल जिस जगह ड्रिल बीट हम लोग बैठाते हैं, जिस जगह ड्रिल बीट हम लोग देते हैं, तो उस जगह अगर पंच नहीं किया होता तो हो सकता है कि वो वाइब्रेशन के कारण वो घसक जाए। आपको ड्रिल करने का किसी और जगह तो ड्रिल हो जाए किसी और जगह, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है ड्रिलिंग से पहले जो हम लोग पंच करते हैं। बोलता है इसकी बॉडी अष्टभुजाकार की होती है। पंच का जो बॉडी होता है यह अष्टभुजाकार की होती है। इसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है। इसको पंच को जो है का बॉडी जो होता है वो अष्टभुजाकार का होता है और इसका इसको जो है बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया नर्ल कर दिया जाता है। होता है यह प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। पंच जो होता है यह ज्यादातर हाई कार्बन स्टील को का बनाया जाता है और इसके पॉइंट को हार्डन टेंपर किया जाता है। अब ये सोचिए कि इसका पॉइंट को हार्डन टेंपर ही क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम लोग किसी भी जॉब पर अगर पंच से हम लोग हैमर से पंच करते हैं तो इसका पॉइंट जो है वो बिगड़ने का जो मशरूम होने का ज्यादातर चांस रहता है, जिसके कारण जो इसके पॉइंट को जो है हार्डन टेंपर करने से उस जॉब पर उस मेटल पर जो है वह मतलब कोई निशान छोड़ता है, निशान हो जाता है। इसलिए इसके पॉइंट को जो है ना हार्डन टेंपर किया जाता है। होता है पंच के पॉइंट की हार्डनेस जो है यह आपको 55 से 59 HRC होती है। इसका पंच का जो हार्डनेस जो होता है पॉइंट का हार्डनेस जो होता है यह 55 से 59 HRC होती है। स्टूडेंट अब है आपका टाइप्स ऑफ पंच, पंच के प्रकार। टाइप्स ऑफ पंच में आपका जो है सबसे पहला है डॉट पंच। इस पंच का जो हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं होता है इस पंच को 60 डिग्री के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। हम लोग जो है वर्कशॉप में सबसे ज्यादा जो है यही डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। आपको अगर वर्कशॉप में अगर काम कराएंगे कार अगर वर्कशॉप में काम कीजिएगा तो आपको डॉट पंच के द्वारा जो है आपको ज्यादातर जो है पंच किया करना पड़ेगा। बता इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात, ठीक है, लाइनों पर डॉट लगाकर उन्हें अस्थाई बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई भी जॉब बनाने के लिए कोई फिगर दिया हुआ मार्किंग दिया उसको अगर आप लोग मार्किंग करते हैं उसको उसके लाइन पर जो है डॉट लगाया जाता है। हमर के द्वारा पंच कर जो है
प्रेशर देकर जो है किसी भी जॉब में जो है उसको अस्थाई बना दौर देकर उसको अस्थाई किया जाता है उसी। फिर बोलता है आपको दूसरा है आपको सेंटर पंच, बोलता है सेंटर पंच यह कास्ट स्टील का बना होता है। सेंटर पंच जो होता है यह आपको कास्ट स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट जो है 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका पॉइंट जो है सेंटर पंच का जो है ये पॉइंट जो है 90 डिग्री पर जो है ग्राइंड करके बनाया जाता है। बोलता है इसका मुख्य उपयोग जो है ड्रिल होल करने के लिए किया जाता है। जब हम जब ड्रिलिंग करने के लिए जाते हैं ना तो इसका इस मतलब सेंटर पंच का जो है यह जो है उसके द्वारा ही पंच किया जाता है। ज्यादातर आमतौर पर जो है स्टूडेंट सब लोग ये सेंटर ये डॉट पंच से ही उसको हम लोग पंच कर देते हैं। लेकिन लेकिन जो आपका मेन जो होता है ना वो सेंटर पंच के द्वारा जो है ड्रिलिंग करने के लिए पहले जो होल किया जाता है। अब आपका है तीसरा नंबर पीक पंच। पीक पंच बोलता है इसके पॉइंट को 30 डिग्री कोण पर बनाया जाता है। मतलब पीक पॉइंट के पीक पंच के पॉइंट को जो है 30 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है प्रायः नर्म धातु के जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। प्रिक पंच का जो प्रयोग जो है हमेशा जो है नर्म धातु जो सॉफ्ट धातु नर्म धातु होता है उसको उसके जो है मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जैसे हो गया पर तांबा पीतल एल्युमिनियम इत्यादि। अब आपका आता है चौथा है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच जो है नाम से ही आपको पता चलता है यह ऑटोमेटिक है। ठीक है बोलता है यह स्प्रिंग की सहायता से काम करता है। ऑटोमेटिक पंच जो है यह आपको स्प्रिंग की सहायता से काम करता है। इसके पॉइंट कार्य के अनुसार 90 या 60 डिग्री के हो सकते हैं। मतलब यह जैसा इसका जहां पे जैसा कार्य होता किया जाएगा उसी अनुसार से इसके पॉइंट को बनाया जा सकता है। इसके 90 या 60 डिग्री के हो सकते हैं। बोलता है यह आधुनिक पंच है। देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि आधुनिक पंच किसको कहते हैं। आधुनिक पंच किस पंच को आधुनिक पंच कहते हैं तो ऑटोमेटिक पंच को आधुनिक पंच कहते हैं। बोलता है यह आधुनिक पंच है जिसका प्रयोग करते समय जो है पार्किंग हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऑटोमेटिक पंच के द्वारा अगर हम लोग पंच करते हैं तो हम लोगों को हैमर का आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह जो है आपको स्प्रिंग के द्वारा ही उसमें पंच हो जाता है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको जो है पंच के बारे में मार्किंग टूल्स के एक जो एक प्रकार है पंच उसके बारे में बताया। आपको अगले क्लास में मैं मार्किंग टूल्स के और एक प्रकार के बारे में बताऊंगा।